नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कभी भी मार्केट में एक करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ब्लू चिप कंपनियां हैं, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स है और इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे नए लोग आते हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती है किन स्टॉक्स में करें, जैसे तैसे स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो पहले आप इन सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है तो आप नए नए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हर सेक्टर से मैंने डिफरेंट स्टॉक्स को लिया है। तो चलिए ये स्टॉक आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। 1967 रुपये इसका करेंट प्राइस है और ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। मतलब मार्केट में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार और इसका जो मार्केट कैप है सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है इसका। देखिए हमेशा अब ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था 2007 से लेकर के 2017 तक, ये लगातार कंसोलिडेट रहा स्टॉक और उसके बाद फिर ज़बरदस्त रैली दिखाया इस स्टॉक ने। देखते हैं कुल 3600% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड स्टॉक्स है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट करके एकदम आंख बंद करके सो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इसके बाद और भी है गोदरेज कंज्यूमर हो गया, मैरिको हो गया, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री हो गया, तो जो FMCG सेक्टर है उसके कई सारे स्टॉक्स हैं, डाबर हो गया, कोलगेट हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आप इसमें म्यूचुअल फंड में जैसे लगाते हैं उसके बदले आप इन सारे स्टॉक्स में लगा करके आराम से अर्निंग कर सकते हैं। काफी सॉलिड स्टॉक है, काफी बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1999 से अभी तक में इसका रिटर्न की बात करें 1318% का रिटर्न है। तो इसमें थोड़ा सा रिटर्न आपको कम ही मिलेगा, तो कभी गिरावट मिलता है तब इन्वेस्ट कीजिए तो काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो इसमें आपको काफी स्टेबल रिटर्न मिलता है तो आपको इसमें रिटर्न का परसेंटेज भी कम होगा, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो अमाउंट है वो काफी सिक्योर रहता है, आपका जो कैपिटल है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है। आप इस सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसी में भी थोड़ा सा भी जब करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कभी भी कोई बड़ी गिरावट का एक्सपेक्ट इसमें नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो क्रेश हुआ है 2008 में 2009 में, उसमें भी देख सकते हैं मात्र इसमें 12% का करेक्शन, तो काफी कम गिरावट मिलती है देखने इन सारे स्टॉक्स में जो FMCG सेक्टर के स्टॉक हैं। अगला है हमारा IT सेक्टर से इंफोसिस, काफी बेहतरीन स्टॉक, 1395 रुपया भी करेंट प्राइस है। आप इसमें ना इन्वेस्ट करके TCS में कर सकते हैं, SCL टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, विप्रो में कर सकते हैं, या किसी दो स्टॉक को भी चुन सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा प्रीफर करते हैं इंफोसिस को। इंफोसिस सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टॉक है अभी करेंट टाइम में IT सेक्टर में, हो सकता है आने वाले समय में कोई दूसरा इसे बीट कर दे रिटर्न देने के मामले में, लेकिन काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिया TCS, विप्रो, SCL टेक्नोलॉजी, किसी में भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा, काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट में तो 5400% का रिटर्न दिया है, साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, लगभग 2% का, और कंपनी लगातार बोनस देती है। बोनस से आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, साथ साथ जो यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है उसके कारण आपको अच्छा ग्रोथ भी मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। अगला है भारतीय एयरटेल, तो हमारा जो टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें अकेले ये लिस्टेड कंपनियों में से अच्छी कंपनी है। वोडाफोन आइडिया भी लिस्टेड है लेकिन भारतीय एयरटेल सबसे अच्छी कंपनी है, क्योंकि जियो लिस्टेड नहीं है, दो ही कंपनी है जिसकी मोनोपोली है इंडियन मार्केट में टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर में। तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन है, ये भी काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। देख सकते हैं यहाँ पर 2002 से लेकर 2007 के बीच ये कंपनी है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को 3000% का। उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, शेयर में कुछ खास रिटर्न देखने नहीं मिला है। देखिए 2007 में भी देखिएगा जो शेयर का करेंट प्राइस तो था उस समय 2007 में, वो भी 500 के आसपास था, और अभी भी ये स्टॉक 500 के आसपास है, तो कुछ खास रिटर्न यहाँ से देखने नहीं मिला है।
लेकिन दोस्तों आने वाले समय में काफी अच्छा रैली इसमें आपको देखने मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक में चाहे तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है एशियन पेंट। एशियन पेंट आप जानते हैं कि पेंट सेक्टर में काफी लीडिंग स्टॉक्स है, पेंट सेक्टर में जो प्रोडक्ट है कंपनी के काफी लीड करते हैं, तो इस स्टॉक में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। चार्ट देखिएगा काफी सॉलिड, अभी तक आपने पीछे जितना भी चार्ट देखा उसमें सबसे सॉलिड चार्ट आपको एशियन पेंट का देखिएगा। देख सकते हैं एशियन पेंट 27,000% का रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। कभी भी गिरावट में मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गिरावट आया था 2,277 रुपए का स्टॉक, यहाँ से देख सकते हैं जबरदस्त 30% तक का रैली ये कर चुका है। तो स्टॉक जो है धीरे धीरे चलता है लेकिन काफी बेहतरीन रिटर्न देता है, आप इसमें ना करके बजट पेंट में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक काफी बेहतरीन है। अगला हमारा पिट लाइट इंडस्ट्री, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अभी 2105 रुपए करेंट प्राइस है, देख सकते हैं 54 रुपीज आज भी अप है और लॉन्ग टर्म में ये भी काफी सॉलिड रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो आप इसमें चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, 33,000% का रिटर्न है। तो ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है, आप इसमें चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा एस्टल पॉलिटेक्निक लिमिटेड। एस्टल पॉलिटेक्निक ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है और इसमें आपको हमने ये भी बताया था कि प्रिंस पाइप या एस्टल पॉलिटेक्निक में से किसी एक में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों में भी कर सकते हैं। काफी बेहतरीन बिजनेस है, किसी भी पैंडमिक से कोई भी प्रभाव इस बिजनेस पे खास पड़ने वाला नहीं है। देख लीजिए रिटर्न 32,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो काफी बेहतरीन स्टॉक है ये। अगला है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक भी काफी सॉलिड स्टॉक में से एक है और करेंट प्राइस देख लीजिए 1,477 रुपया है और यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 1999 से अभी तक में 28,000% का रिटर्न दिया, जो कि काफी सॉलिड रिटर्न है। उसके बाद अगला है हमारा HDFC लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है और इसका भी देख लीजिए अभी जो करेंट प्राइस है 2574 रुपये है। तो आप HDFC, HDFC बैंक, HDFC लाइफ चारों में चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं। इस ग्रुप के जो भी स्टॉक्स हैं ये HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड काफी बेहतरीन स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर में आप HDFC बैंक ले सकते हैं या कोटक बैंक ले सकते हैं, ICICI बैंक ले सकते हैं, एक्सिस बैंक ले सकते हैं। वही जो हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्टर में है HDFC में कर सकते हैं या दूसरे भी स्टॉक हैं जो जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और भी कई सारे स्टॉक है उसमें कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। या आप HDFC छोड़ करके HDFC बैंक, HDFC लाइफ में कर ही रहे हैं, HDFC MC में कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं और बजाज ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, देख लीजिए लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद अगला है हमारा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और आने वाले समय में इंश्योरेंस का डिमांड जो काफी बढ़ेगा तो वहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा, देखिए सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है जो इसके खिलाफ हो तो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिलता है। अभी भी इसमें गिरावट कंटिन्यू है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन पूरा हो जाता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए 2017 से 2021 तक में 91% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड रिटर्न है। अगला हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी काफी सॉलिड रिटर्न है। अभी करेंट प्राइस है 3,090 रुपीज और ये भी स्टॉक बेहतरीन स्टॉक में से एक है और चार्ट देखेगा कितना सॉलिड है। आने वाले समय में ये काफी बेहतरीन रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर को और अभी तक में देख सकते हैं 384% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये दे चुका है। काफी जबरदस्त, काफी सॉलिड स्टॉक है, इसमें चाहें तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा HDFC AMC 2820 रुपया भी इसका करेंट प्राइस है, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है और ये भी स्टॉक आने वाले समय में धमाल मचाएगा। देख सकते हैं अभी भी ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है 2018 से लेकर 2021 तक 61%। तो ये भी स्टॉक जबरदस्त है, इसमें भी आप कभी भी गिरावट आता है, करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है AMC सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनी है वो HDFC AMC है। तो आप इन सारी कंपनियों में जब भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जो अगला नंबर है हमारा वो है बजाज फाइनेंस। ये तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, 5,768 रुपये इसका करेंट प्राइस है और ये स्टॉक देखिए कितना ज़बरदस्त है। अगर हम रिटर्न की बात करें मैक्सिमम ईयर में तो है देख 1,23,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे स्टॉक में जब भी आपको गिरावट मिलता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और काफ़ी सॉलिड आपको रिटर्न भी देगा। तो आपको जो पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको इन सारे स्टॉक जो आपको बता रहे हैं इसी में से आपको सेलेक्ट करना है और पोर्टफोलियो जो पूरी तरह से डाइवर्सीफाई करना है। आप जैसे 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो सारे सेक्टर में 10,000 कर सकते हैं और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स को चुन सकते हैं।
अगला है हमारा हीरो मोटर कॉर्प। टू व्हीलर सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, लोग ऐसे बोलेंगे ये हो जाएगा अभी वो ऑटो सेक्टर है, लेकिन दोस्तों जैसे हमारा पेंडेमिक ख़त्म होता है तो कंपनी जो है उसी तरह से परफॉर्म करेगी बिजनेस जिस तरह से पहले, क्योंकि एक सेक्टर लीडर कंपनी है टू व्हीलर में। हीरो मोटर कॉर्प जो है इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि यह काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को देने वाला है, क्योंकि जैसे हमारा लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले कोई भी बाइक खरीदता है तो वो किसका होगा, हीरो मोटर कॉर्प का। अगला है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड स्टॉक है। 1,082 रुपए इसका करेंट प्राइस है और इसका देखिए रिटर्न कितना सॉलिड है, 2011 से लेकर के अभी तक में इसका रिटर्न है 7,500% का, मात्र 10 साल में 7,000 से भी अधिक का रिटर्न दिया है। तो कितना सॉलिड स्टॉक है, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी बेहतरीन रिटर्न मिलने वाला है आने वाले समय में। अगला हमारा जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये भी काफी सॉलिड स्टॉक में से एक है। जुबिलेंट फूड भी देखिएगा पिछले कई सालों से ये लिस्टेड है, 2010 से ही लिस्टेड है और ये देख लीजिए 2,339% का रिटर्न, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। तो ये सारे स्टॉक जब भी गिरावट मिले आप बाय कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड का अभी करेंट प्राइस है 3150, कभी भी कोई गिरावट आता है कोई करेक्शन आता है तो आप वहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा टाइटन कंपनी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, 1,584 रुपये अभी इसका करेंट प्राइस है और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। देख लीजिए 2020 से लेकर अभी तक में 37,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी सॉलिड काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। अगला हमारा मुथूट फाइनेंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 1,268 रुपये इसका भी करेंट प्राइस है और देख लीजिए ये कंपनी भी 2010-11 में लिस्ट हुआ है और वहाँ से देख लीजिए अभी तक में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, आने वाले समय में और अच्छा बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो अभी आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपनी बोनस या स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है, जो कि पहले भी अनाउंस हुआ था स्टॉक स्प्लिट, लेकिन उसे फिर सस्पेंड कर दिया गया जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में एक तेज गिरावट भी देखने मिला था। तो आप चाहें तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई गिरावट आता है कोई करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा SBI कार्ड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स और काफ़ी बेहतरीन लेवल पे नीचे मिल रहा था, मात्र 500 रुपये पर स्टॉक मिल रहा था पैंडमिक में और काफ़ी बार इस स्टॉक में हमने बताया कि आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो पेमेंट गेटवे है उसमें SBI एक लीडिंग कंपनी होगा, तो SBI कार्ड जो है एक बेहतरीन रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे सकता है। इसका जो IPO था IPO से भी ये नीचे के प्राइस पर, काफ़ी ज़्यादा नीचे के प्राइस पर लिस्ट हुआ था और बाद में ये एक बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगले हमारा अशोका बिल्डकॉन, काफ़ी सॉलिड स्टॉक देख सकते हैं, 91 रुपीज का ये मिल रहा है। आने वाले समय में ये भी स्टॉक काफ़ी धमाल मचाने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर आने वाले समय में निश्चित है कि काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसकी एक बेहतरीन एक काफ़ी सॉलिड कंपनी है, तो आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा कैडिला हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर में कई सारी कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, तो जितने भी नाम लें कई सारी कंपनियां हैं, तो उसी में से एक है कैडिला हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो जो फार्मा सेक्टर है इसमें से कौन सी कंपनी चूज करना ये आप पे भी निर्भर करता है, तो आप जिसको चाहें चूज कर सकते हैं। ये भी स्टॉक ऐसे काफ़ी सॉलिड है, देखिए ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अभी तक में, 4,600% का रिटर्न, तो कितना सॉलिड रिटर्न है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो हर सेक्टर के आपको हम अलग अलग स्टॉक बताते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं वो भी बता रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब देखिए अगला है हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें भी कई सारे स्टॉक हैं, अतुल लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री, उसके बाद आप इसमें और भी कई सारे स्टॉक हैं जिसको ले सकते हैं, एल्काइल एमिन्स है, उसी तरह मतलब आपको जैसे जैसे हम बताएंगे स्टॉक और भी चैनल पे आप इसमें लेते हैं तो किसी और स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना बेहतरीन रिटर्न, 43,000% का रिटर्न, तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। ये सारे स्टॉक आपको अपना वेल्थ क्रिएट करके देगा, तो आप इसमें चाहें जब भी गिरावट मिले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला है सीमेंट सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर में भी कई सारे मतलब स्टॉक्स हैं, रामको सिस्टम है, रामको सीमेंट है, आप उसमें चाहे कर सकते हैं, इंडिया सीमेंट है, ये छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियों में भी कई सारी कंपनियां हैं, आप उसमें
देखिए अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद आप दूसरा चाहें तो दूसरा में कर सकते हैं। तो कई सारे हैं सीमेंट सेक्टर में भी स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक उसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, 2400% का रिटर्न। तो ये सारी स्टॉक है जो मार्केट को लीड करता है, अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक है, इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए PVR, अभी हम बात करेंगे PVR का, कहेंगे अभी तो इसका बिजनेस ही पूरी तरह से बंद है। तो दोस्तों बिजनेस बंद है इसलिए तो आप ये स्टॉक काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। ये स्टॉक का देखिएगा ऑल टाइम हाई कितना है, 2000, पैंडमिक से पहले ये 2000 रुपीज़ पे स्टॉक मिल रहा था, और जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, सिचुएशन नॉर्मल होगा, फिर इस स्टॉक में आपको वही तेजी देखने मिलेगा जो कि आपको पहले देखने मिलता था। तो अभी ही मौका है कि आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते। देखिए पैंडमिक से पहले ये स्टॉक जो है 653% का रिटर्न दे रहा था, तो आने वाले समय में और गजब का रिटर्न ये देगा। तो आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पे है, क्योंकि जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो फिर ये सारी कंपनियां मार्केट की लीडर कंपनियां हैं, निश्चित है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगला है हमारा एविएशन सेक्टर से इंटर ग्लोबल एविएशन, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, काफ़ी सस्ते प्राइस पर भी आपको मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है कंपनी का, लेकिन बिजनेस क्या है अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है निश्चित है कि स्टॉक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, तो और बेहतरीन रिटर्न भी देगा अपने इन्वेस्टर को। अभी 1720 रुपये पर मात्र ये स्टॉक मिल रहा है, जबकि इसका देखिए ऑल टाइम हाई 2019 में ये था 1851 पे, और वहाँ से गिर करके देखिए ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, 900 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते तो काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त करते। उसके बाद अगला है हमारा IRCTC, PSU सेक्टर के जो भी स्टॉक है उस पर हम काफ़ी कम ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन जो स्टॉक है IRCTC, क्योंकि इसका जो बिजनेस है पूरी तरह से मोनोपोली वाला है, और यह काफ़ी बेहतरीन बिजनेस के साथ साथ कंपनी का जो स्टॉक है वो भी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न क्रिएट करके दिया है। अगर रिटर्न की बात करें 142% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, तो आने वाले समय में ये और अच्छा खासा आपको रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है। तो अभी 1892 रुपये इसका करेंट प्राइस है, आप चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे थे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं, आप इसमें जब भी चाहें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सारे स्टॉक्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें से कौन से स्टॉक आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।